हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो वाई 200 5G फ़ोन है, तो वीवो वाई 200 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को आप कैसे विदाउट बटन रीबूट कैसे कर सकते हैं और कैसे फ़ोन को रीबूट कर सकते हैं अपने फ़ोन को। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को रीबूट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन को रीबूट कैसे कर पाएंगे अपने फ़ोन को, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन सब ओपन हो जाएंगे, इसमें से आपको सेटिंग्स पर जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, इस पर जाकर फ़ोन को आप रीबूट कर सकते हैं विदाउट बटन। तो इस पर क्लिक करना है, तो आपको शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे जाना है। एक्सेसिबिलिटी पे जाकर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाना है, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑन करते ही आप फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और आपको पावर आइकन्स पे जाना है और इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके फ़ोन को आप रिबूट कर पाएंगे, इस पर क्लिक करते रीबूट कर सकते हैं फ़ोन में। पावर ऑफ कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं और चाहें तो स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हैं और यहाँ से रीबूट भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से फ़ोन को विदाउट बटन रीबूट कर सकते हैं अपने मोटो जी सॉरी अपने वीवो फ़ोन में और फ़ोन को रीबूट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।